सनी। जी मैम साहब। तेरे इस महीने की पगार। मैम साहब लगता है गलती से आपने 2000 रुपए कम दिए हैं मुझे। कम नहीं दिए, 4 दिन के पैसे काटे हैं। मैम साहब मैंने आपको बताया तो था मेरी माँ की तबीयत खराब थी, बस उसी की देखभाल में लगा हुआ था। सनी देख, तेरी माँ की तबीयत खराब थी तो मैं क्या करूँ, अब तू नहीं आया था तो तेरी जगह पे मैंने किसी और को बुलाया था तो उसको मैंने वो पैसे दे दिए। मैम साहब मैं मानता हूँ कि मैंने 4 दिन छुट्टी की थी, लेकिन मेरी माँ की तबीयत इतनी खराब थी कि मैं क्या करता। मैम साहब आप भी तो समझिए, मैं ओवर टाइम करता हूँ, आप जो बोलते हो वो सारे काम करता हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन सब करता हूँ, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। मैम साहब आप मेरे पैसे मत काटिए। सुन दादा, इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर, अब तू नहीं आया था तो तेरे पैसे मैं उसको दे चुकी हूँ, जाके अपना काम कर। क्या यार अंजलि, तुमने क्यों उस गरीब के पैसे काटे? पैसे ना काटू तो क्या करूँ, अब वो 4 दिन नहीं आया था तो उसके बदले मैंने किसी और को बुलाया था तो उसके पैसे मैंने उसको दे दिए। अरे यार उसकी माँ की तबीयत खराब थी, एमरजेंसी थी उसके घर में। अरे कोई एमरजेंसी नहीं थी, ऐसे लोग को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये सिर्फ काम ना करने के बहाने ढूंढते रहते हैं और उसकी वजह से तो मुझसे लड़ रहे हो। अरे अंजलि बस यार काम डाउन। अरे सुनो अंजलि सुनो, अरे यार लैपटॉप तो ले जाओ, इसका गुस्सा भी नाक में धरा जाता है। सनी सुन, ये झाड़ू लगाने के बाद ये कुछ कपड़े हैं, ये जाके वॉशिंग मशीन में डाल दियो। जी मैम साहब। अरे सनी तू आ गया मार्केट से? जी मैडम। तू एक काम कर, ये सामान जाके किचन में रख दे और तू दोबारा मार्केट चला जा, क्योंकि मुझे शैम्पू चाहिए, मुझे हेयर वॉश करना है, फटाफट चला जा। ठीक है मैम साहब लाता हूँ। मैम साहब सारा काम खत्म कर दिया है, मैं घर जाऊं। अभी कहाँ सारा काम खत्म हो गया है, किचन में बर्तन पड़े वो कौन धुलेगा, पहले जाके बर्तन धुल फिर कहीं जाना। ठीक है मैम साहब अभी धो देता हूँ। अच्छा अंजलि सुनो, कल मेरे कुछ क्लाइंट आने वाले हैं तो मेक श्योर यार घर अच्छे से साफ हो, इधर उधर कूड़ा ना पड़ा हो, क्योंकि यार ऑफिशियल क्लाइंट है तो अच्छा नहीं लगता इधर उधर कूड़ा होगा, तो यार सनी को बोल देना कल थोड़ा जल्दी आ जाएगा। हाँ हाँ मैं सनी को बोल देती हूँ, सुबह जल्दी आ जाएगा और सारा घर साफ कर देगा। सनी जी मैम साहब। बर्तन धुल गए? हाँ मैम साहब। सुना तेरे भैया ने क्या बोला, कल गेस्ट आने वाले हैं तो सुबह जल्दी आ जाइयो क्योंकि पूरा घर साफ चाहिए मुझे, ध्यान रखना टाइम पे आ जाना। ठीक है मैम साहब सुबह टाइम पे आ जाऊंगा। चलो जाओ। यार ये सनी कहाँ रह गया, इतना लेट हो गया है, एक काम करती हूँ उसे फोन करती हूँ। एक तो इसका फोन टाइम पे नहीं लगता, प्रिंस आता ही होगा क्लाइंट को लेके, और अगर वो आ गए उन्होंने ऐसा घर देखा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी और शायद उसकी डील भी कैंसिल हो जाए। मैं एक काम करती हूँ, मैं ही सफाई कर देती हूँ उसके आने से पहले। प्रिंस कहाँ रह गया है, फोन करती हूँ इसे। प्रिंस तुम अब आ रहे हो, कहाँ रह गए थे? और ये महाराज ये देखो अब आ रहे हैं, तुम्हें पता है मैं पूरा दिन से कितना काम करी हूँ, तुझे बोला था ना जल्दी आना और तू अब आ रहा है, तेरी वजह से सारा घर का काम मुझे करना पड़ रहा है, हालत देख मेरी कितना थक गई हूँ। अरे अंजलि
तुम इतने में थक गए, तुमने आज ही काम किया है और आधा काम किया है। ये सोचो, ये हर रोज काम करता है, तुमसे डबल काम करता है, और तुमने क्या किया, तुमने इसके पैसे काट लिए, वो भी कुछ दिन के पैसे, 300, 400, 500 रुपये सिर्फ। अंजलि, ये भी थक जाते हैं, और तुम जैसे लोग क्या करते हैं, अपनी ईगो के चक्कर में इन लोगों को परेशान करते हैं। ये गरीब लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो भी कुछ पैसों के लिए। तुम्हें पता है अंजलि, ये 300, 400 रुपये हमारे लिए कुछ नहीं होते, लेकिन इन लोगों के लिए बहुत होते हैं, और तुमने वही पैसे काट लिए। तुम सही बोल रहे हो प्रिंस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बिना इसकी प्रॉब्लम जाने, न जाने इस पर क्यों चिल्लाती रही, इसे उल्टा सीधा कहती रही। इसके पैसे काटे मैंने, और मुझे पछतावा है इस चीज़ का। सनी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। कोई बात नहीं मैम साहब, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है मेरे लिए। सुन के अच्छा लगा अंजलि कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। सन्नी जा, तू काम कर।